अच्छा ज्ञानवी की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। लेखा शास्त्र में दोहरा लेखा प्रणाली के गुण पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसके पहले अपन ने दोहरा लेखा प्रणाली क्या पढ़े थे? उद्देश्य पढ़े थे और क्या पढ़ी थी बेटा? विशेषताएं पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के गुण। तो दोहरा लेखा प्रणाली, तो पहले मैंने बच्चों आपको दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ बताया, आवाज की अपन विशेषताएं पढ़ेंगे। तो दोहरा लेखा प्रणाली से मतलब कुछ दोस्त, मतलब जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसमें कुछ गुण के कारण आज विश्व में क्या है, ये सर्वाधिक कैसी है? लोकप्रिय। तो इसमें लेखों की संपूर्ण जानकारी, अपन जो भी लेखा बनाते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी क्या होती है? इसमें होती है। इसमें व्यापारिक सौदे संबंधी दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है ना, जो व्यापारिक पूरे मतलब जितने भी लेखे होते हैं व्यापारिक संबंधी लेखे, उनका क्या किया जाता है? प्रत्येक सौदों की संपूर्ण जानकारी लेखा पुस्तकों में क्या कराई जाती है? उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद है बेटा खातों का वर्गीकरण। इसमें खातों के वर्गीकरण में आता है बेटा, इस प्रणाली में खातों को व्यक्तियों के वस्तुगत संपत्ति, मतलब जो खाते होते हैं उनकी व्यक्तिगत संबंध, मतलब जो व्यक्तिगत वस्तु संपत्ति और लाभ हानि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किसको? खाते के वर्गीकरण को। तो खातों का वर्गीकरण किया जाता है और प्रत्येक खाते की जानकारी क्या करते हैं? सरलता पूर्वक क्या करते हैं? इसको व्यक्त, मतलब जो जानकारी है इसको, खातों की जानकारी को क्या करना पड़ता है? सरलता से प्राप्त की जा सकती है। जब हम कोई भी खातों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें क्या बनाएंगे बेटा? दोनों पक्षों का लेखा किया जाएगा। तो उसको अपन सरलता से उसमें संपत्ति लाभ हानि आधार वर्गीकृत किए जाते हैं और प्रत्येक खाते की जानकारी सरलता से क्या किया जाती है? व्यक्त की जाती है। फिर तीसरे नंबर पर होता है बेटा खातों की शुद्धता की जाँच। तो थर्ड पॉइंट होता है खातों की शुद्धता की जांच। तो खातों की शुद्धता मतलब जो इस प्रणाली में प्रत्येक सौदे में क्या किया जाता है? रकम के बारे में दो पक्ष लिखे जाते हैं, जिसमें खातों का योग बनाया जाता है, नाम जमा योग ये सब चीजें लिखी, बराबर से लिखी जाती हैं। इस सिद्धांत के आधार पर प्रणालियों को गणितीय संबंधी शुद्धता की जाँच और तलपट भी बनाया जाता है। तो खाते के वर्गीकरण में आप लाभ हानि खाता, तो खातों के वर्गीकरण में फिर खातों की शुद्धता की जांच। तो खातों की शुद्धता की जांच के लिए आप क्या करोगे? इसके लिए पहले सौदे में दो, मतलब दो पक्षों के बीच में दो पक्ष होते हैं, उसपे क्या करते हैं बेटा? मतलब कि दो पक्षों के बीच में मिलकर सभी खातों का योग, मतलब सभी खातों का योग लगाया जाता है। तब दो पक्षों के बीच में क्या होता है? ये खाता बनता है। फिर जालसाजी पर नियंत्रण, चौथा इसका वो है जालसाजी पर नियंत्रण। इस प्रणाली में मतलब कुछ निश्चित वैज्ञानिक नियमों के आधार पर, मतलब इससे कुछ वैज्ञानिक नियम है उसके आधार पर आप जालसाजी पर नियंत्रण, तो इन पर आप क्या कर सकते हो? वैज्ञानिक आधार पर आप इसमें जालसाजी में छल कपट पे आदि की आशंकाओं को कुछ हद तक निश्चित तौर पर आप नियंत्रण कर सकते हो। ये पांचवा है प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी। तो ये जो प्रणाली है दोहरा लेखा, पांचवा है ये
प्रबंधकीय कार्य के लिए, मतलब जो प्रबंधकीय कार्य है उसके लिए भी ये क्या है, उपयोगी है। दो दोहरा लेखा प्रणाली के पांचवा है गुण, प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी है। वर्तमान में प्रबंध कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दोहरा लेखा प्रणाली प्रबंधकार लेखा कर्म की प्रमुख शाखा हो गई है। मतलब जो प्रबंधकार है इसमें प्रबंधकार प्रबंधन कार्य की ये क्या है, उपयोगी है। फिर उसके बाद है बेटा, इसे लेखा कर्म की प्रबंधकार के लिए उपयोगी सूचनाएं होती हैं। जितनी भी सूचनाएं होती हैं इसे क्या कर सकते हैं अपन, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके आधार पर व्यवसाय क्या होता है कुशल, मतलब प्रबंधकीय कार्य से व्यवसाय क्या हो जाएगा बेटा, प्रबंधकीय कार्य कैसा होगा, कुशल संचालन किया जा सकता है। फिर होता है बेटा लाभ हानि का ज्ञान, छठा है लाभ हानि का ज्ञान। तो इस प्रणाली के आधार पर एक निश्चित अवधि में, मतलब ये जो प्रणाली है उसमें एक निश्चित अवधि में इस कार्य को किया जाता है। उसमें क्या किया तैयार किया जाता है, अंतिम खाते तैयार कर संबंधित अवधि में, मतलब एक लेखा खाता तैयार करेंगे और उसमें एक अवधि निश्चित होगी और इसके अवधि में लाभ हानि का ज्ञान सुगमता से, मतलब जो लाभ हानि है उसको अपन सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। इसका लाभ हानि अपन क्या हो गया बेटा, ये छठवां लाभ हानि का ज्ञान। तो दोहरा लेखा प्रणाली में फिर है आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापार में लाभ हानि आर्थिक स्थिति कैसे पता चलेगी, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। तो अपना सातवां पॉइंट है बेटा आर्थिक स्थिति का ज्ञान। इस प्रणाली में मतलब वर्ष के अंत में व्यापार में आर्थिक स्थिति की जानकारी, उसमें क्या बनेगा बेटा, एक चिट्ठा बनेगा। मतलब हम एक चिट्ठा तैयार करेंगे उसे क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। जो इसके जिसका आधार होता है विनियोजित पूंजी व्यापार दायित्व की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकना। फिर उसके बाद होता है बेटा आठवां है तुलनात्मक संबंध। तो तुलनात्मक अध्ययन में आप संभव है इस प्रणाली के अनुसार अंतिम खातों व तैयार किए गए चिट्ठे के आधार पर इसे दूसरे व्यवसाय में तुलना में कर सकते हैं। इसका तुलनात्मक अध्ययन भावी योजनाओं के लिए क्या करते हैं, तुलनात्मक मतलब बराबर, और भावी योजनाओं के लिए मतलब अगले वर्ष में आप कैसा कर सकते हैं, इसका आयोजन करने के लिए इसकी सुविधा के कारण इसके परिणाम क्या कर सकते हैं बेटा अपन, परिणाम प्राप्त परिणाम होते हैं और कैसे परिणाम होते हैं, इसके विश्वसनीय परिणाम होते हैं। फिर है बेटा नौवां होता है समायोजन की सुविधा। तो समायोजन की सुविधा मतलब कोई भी चालू वर्ष में अगले वर्ष के लिए समायोजित, इस प्रणाली की जो अंतिम खाते होते हैं, अंतिम खाते तैयार करके व्यवहारों में लिखे, मतलब व्यवहारों में लिखे जाते हैं, ये अपूर्ण रूप से कैसे होते हैं, अपूर्ण व्यवहारों को पूर्ण करने और त्रुटि सुधारने के लिए किया जाता है। और प्रावधानों के आयोजन करने की सुविधा, इसके परिणाम कैसे होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। और दसवां है बेटा लोचदार। यह प्रणाली कैसी है, लोचदार प्रणाली है। व्यवसाय की उन्नति में समय कुछ अतिरिक्त समय, मतलब जो होता है व्यवसाय के समय कुछ अतिरिक्त पुस्तकें लिखी जाती हैं और व्यापार के संकुचन के लिए इसके आवश्यक पुस्तकों को हटाया जा सकता है। फिर है? क्या कहते हैं इसे बेटा, लोचदार। उसके बाद है बेटा दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। दोहरा लेखा प्रणाली में बेटा
छोटे और अशिक्षित व्यापारियों के लिए ये अनुपयुक्त होती है। मतलब छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे वर्ग में व्यवसाय करते हैं, जिसे इस प्रणाली के अनुसार लेखे के लिए विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है। इसके लिए आपको विशेष शिक्षा और शिक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता की क्या है आवश्यकता है। छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, इसके लिए छोटे छोटे मतलब व्यापार उनका कैसा होता है, छोटा छोटा। छोटे व्यापारियों के लिए उनको नियुक्त करने के लिए कैसे वो बड़े असमर्थ होते हैं, और यह प्रणाली व्यापारियों के लिए कैसी होती है, उपयुक्त होती है। अधिक खर्चीली, मतलब ये जो प्रणाली है दोहरा लेखा प्रणाली कैसी है, अधिक खर्चीली है। इससे यह प्रणाली अधिक खर्चीली सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें इसके अनुसार लेखों में मतलब जो लेखे होते हैं उनके कैसे होते हैं, कमी को पर्याप्त वेतन मतलब वेतन देना पड़ता है। अधिक खर्चीली दोहरा लेखा प्रणाली कैसी प्रणाली है, अधिक खर्च कैसी प्रणाली है बेटा, अधिक खर्चीली। इसमें आप क्या पर्याप्त वेतन देना पड़ता होगा, जो छोटे छोटे वेतन से सिद्ध होता है। उसके बाद है बेटा नियमों की क्रियाशीलता में कठिनाई। तो जो नियम होते हैं उनकी क्रियाशीलता कैसी होती है, उनमें कठिनाइयां होती है। क्या जो नियमों की क्रियाशीलता है उसमें कठिनाइयां होती है, उसके लिए इनके खातों में मतलब खातों में क्रेडिट क्रेडिट मतलब नाम मतलब नामे आपके मतलब नामे और क्रेडिट मतलब डेबिट मतलब नामे और क्रेडिट मतलब जमा। तो जो आपने संबंध में नियम में क्रियाशील करने के लिए कठिनाई होती है, सौदे ऐसे होते हैं जिनके पक्ष में एक नियम दूसरे पक्ष के दूसरे नियम पर लागू होता है। तो इसमें इस प्रणाली में खातों में डेबिट और क्रेडिट संबंधी नियमों में क्रियाशीलता कठिनाइयां होती है। तो आपके लेखांकन करोगे तो उसमें डेबिट और क्रेडिट, तो इन सब उन दोनों चीजों का क्या होगा बेटा, लेख होगा। और इस मतलब संबंधित नियम में ये क्या होगा, क्रियाशील करने में कठिनाइयां होगी। इसको क्रियाशील करने में व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, है ना। ये एक क्या हो गया, एक लंबी प्रक्रिया हो गई, एक प्रकार से लंबी प्रक्रिया हो गई, जो मतलब दीर्घकाल मतलब लंबी। ये प्रक्रिया कैसे चलेगी बेटा, लंबी चलेगी। और इस प्रक्रिया के होते होते व्यापारिक परिणाम क्या होते हैं, मतलब ये क्रिया होते होते आपके व्यापारिक परिणाम आपको फिर है धनक और निष्कर्ष की आशंका।